सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इस वुडलैंड मेंशन को अपने घर में कन्वर्ट किया था, और आज के एपिसोड में गाइस, जो मेरे डायमंड का आर्मर है, इन सबको आज मैं नेदराइट में कन्वर्ट करूंगा। और इतना ही नहीं गाइस, आज मैं एंड में जाकर एक एक्सफेम बनाऊंगा, मैंने सोचा है। उसी के साथ साथ गाइस, मैं एंड से बहुत सारा इलाइट्रा कलेक्ट करूंगा, कम से कम 10-20 इलाइट्रा एंड सिटी जाकर लूटूंगा। बट एंडरमैन एक्सपीएम कैसे बनता है यार, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर हम जाते हैं यूट्यूब पे और ट्यूटोरियल देखते हैं सल्कर क्राफ्ट का, और उसी की तरह एक एक ब्लॉक को ध्यान से, प्यार से, धीरे से सब कुछ रखेंगे, और इस एंडरमैन एक्सपीएम जो कि सबसे बेस्ट एक्सपीएम है, आज हम उसको बनाएंगे। और गाइस, यहाँ पर एंडरमैट स्पॉन नहीं हो रहा था, तो फाइनली बहुत देर के बाद एक एंडरमैट स्पॉन हुआ है। और अर्पण नाम के बंदे ने मेरे को बोला था कि एक एंडरमैन एक्सपीएम बनाओ, तो उसका नाम यहाँ पर मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने करीब एक दिन के बाद, पूरी मेहनत के बाद, हम लोगों ने फाइनली ये एंडरमैन एक्सपीएम अपने हार्डकोर वर्ल्ड में बना लिया है। और गाइस, इसमें इतना एक्सपी मिलता है कि क्या बताऊँ यार। गाइस, ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये सेटिस्फेक्शन सिर्फ जो माइनक्राफ्ट खेलता है उसी को पता होगा। भाई एक्सपी देखो तुम लोग यार, इतना ज़्यादा एक्सपी, मैं क्या करूँ इतने एक्सपी को यार। देखते हो तुम लोग बस देखो भाई इस एक्सपी को, मैं क्या बताऊँ यार। तो हम लोग ने यहाँ पर अपना एक्सपी फार्म बनाने के बाद, हमारा दूसरा टास्क था कि अभी हमको अपना गन पाउडर फार्म में जाके AFK बैठना है करीब 2-3 घंटे के लिए। और AFK बैठने के बाद जो गन पाउडर मिलेगा, उस गन पाउडर को गाइस हमको बनाना है रॉकेट, क्योंकि मेरे पास रॉकेट की बहुत ज़्यादा कमी है। और रॉकेट बनाने के बाद हमको चाहिए गाइस TNT, और TNT लेके हम लोग जाएंगे नेदर में, और वहाँ पर जाके बूम बम ब्लास्ट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर करीब आधे घंटे तक AFK बैठने के बाद अभी जाके देखते हैं कि हमको नीचे कितना गन पाउडर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस अभी हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि कितना गन पाउडर मिला है। तो गाइस, यहाँ पर अभी 3-4 स्टैक गन पाउडर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं। और गाइस, यहाँ पर ना अपने पास पेपर की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन का जो मैंने पूरा खेती किया है, वो खेती से गाइस हमको पेपर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये सब पेपर को कलेक्ट कर लेते हैं। तब तक गाइस, जो लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सब लोग पहले तो एक साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और एक प्यारा सा कमेंट करो कि गाइस मुझे ना हार्डकोर का लाइव स्ट्रीम करना चाहिए क्या। मैं सोच रहा हूँ अपने हार्डकोर वर्ल्ड का लाइव स्ट्रीम कर दूँ। देखते हैं, मैं नेक्स्ट, अगर तुम लोग इस वीडियो में अगर 50,000 लाइक करोगे तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमने बहुत सारे गन पाउडर और पेपर को मिला के रॉकेट बना लिया, क्योंकि रॉकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं अभी नेदर में जाने वाला हूँ, उसके बाद गाइस मैं जाऊँगा वहाँ पर एंड में। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, ऊपर जाके ना अभी और गाइस करीब एक घंटे के लिए ना हम यहाँ पर AFK बैठ जाते, क्या बोलते हो गाइस। यहाँ पर अभी हम करीब 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए AFK बैठ जाता हूँ। तब तक गाइस अभी ना मैं सुसु करके आता हूँ। ठीक है, तो तब तक गाइस यहाँ पर अभी थोड़ा देर में आ गए, एक मिनट रुको भाई। कब तक गाइस, कितना घंटे हम लोग यहाँ पर AFK बैठेंगे यार। तो गाइस यहाँ पर अभी हम नीचे आ चुके हैं, और नीचे आने के बाद अरे भाई दो क्रीपर एक साथ आ रहे हैं भाई, मर जा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओ भाई, दोनों फट गया, मेरा टोटेम खत्म, एक टोटेम गाइस खत्म हो गया भाई। दो फटता है तो भाई मतलब मार देता है, मेरे को पता नहीं था। थैंक गॉड मेरे हाथ में टोटेम था यार, वरना आज सब कुछ खत्म हो जाता रे। चलो दूसरा टोटेम गाइस यहाँ पर लगा दिया है भाई साहब, जान बची तो लाख उपाय। सो गाइस, यहाँ पर अभी अपने पास 3-4 स्टैक्स फिर से हो चुका है ये गन पाउडर। तो अभी हम जाएंगे गाइस समुंदर के किनारे, और वहाँ पर जाके सैंड कलेक्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पर बहुत सारे सैंड है, तो यहाँ पर हम सैंड कलेक्ट करते हैं। हम सैंड कलेक्ट क्यों करें पता तुमको, सैंड और अगर तुम गन पाउडर को कलेक्ट करके ना वो मिलाओगे क्राफ्टिंग टेबल में, तो TNT बनता है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग अभी TNT बनाते हैं। चलो, जितना हो सके उतना TNT बनाएंगे, और TNT लेके हम लोग कहाँ पर जाएंगे पता है, नेदर में, क्योंकि नेदर में तुमको पता होगा क्या होता है, नेदर में होता है एंशिएंट डेब्रिस, और उसके जरिए हम नेदराइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी गाइस गन पाउडर है, उन सबको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। चलो धीरे धीरे देखो, यहाँ पर मतलब कितना मज़ा आता है ना गाइस क्राफ्ट करने में, मानो ना मानो यार, मेरे को एकदम अच्छा लगता है चीज़ करने में। तो अभी हम जाते हैं गाइस यहाँ पर नेदर के अंदर, और नेदर में गाइस हम लोग एक परफेक्ट जगह चूज़ करेंगे, और वहाँ पर ब्लास्ट करना शुरू कर देंगे। ब्लास्ट करने से ईजिली मिलता है, मैंने देखा था बहुत लोगों के वीडियो में। अब एक घास आ गया भाई, मेरा पोर्टल फोड़ गया क्या गाइस, घास को ना आज मैंने, घास को शॉर्ट से किसी ने मारा है क्या आज तक, मैं मारूंगा आज। गाइस तुम लोगों ने आज तक घास को शॉर्ट से मारा है क्या, इधर आजा भाई, घास तू क्या कर रहा है यार, ये ले भाई मर जा नूबड़ा घास, मेरे को मारेगा। तो गाइस अभी हम जाते हैं सीधा खदान की तरफ, और वहां पर बूम बम ब्लास्ट करेंगे। सो गाइस अभी हम खदान के अंदर आ चुके हैं, मतलब खदान नहीं, टनल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने बहुत देर तक खुदाई करने के बाद मेरे को अभी तक 2-3 भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला है। तो यहाँ पर गाइस अभी हम TNT का खेल शुरू करते हैं। देखो TNT से क्या कर रहे हैं, इस तरह से गाइस एक TNT को फोड़ दो, और बस तुम वेट करो, ये इतना बड़ा ब्लास्ट करेगा ना, अगर एंशिएंट डेब्रिस आसपास होगा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो गाइस, सामने हमको एक एंशिएंट डेब्रिस ऊपर दिख रहा है, तो अभी हम जाके उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो अरे एक नहीं गाइज, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी और एक है शायद से। तो यहाँ पर गाइज मेरे को दो एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। इस प्रकार से गाइज अगर 15-20 मिल गया तो हो गया काम। तो यहाँ पर एक एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है, इसको उठा लेते हैं चलो। तो गाइज ये पहला एंशिएंट डेब्रिस है। हालांकि गाइज इससे पहले मेरे को एक दो एंशिएंट डेब्रिस मेरे पास ऑलरेडी है, इससे पहले मैंने थोड़ा खुदाई किया था आके और वहाँ पर मेरे को एक दो मिल चुका था। तो अब तक अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब लोग एक साथ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो यार, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलो भाई, तो यहाँ पर गाइस हम लगाते हैं ब्लॉक और एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करते हैं। निकल भाई आजा। ओके गाइस यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस आ चुका है। तो इसी प्रकार से गाइस हम लोग TNT लगाते जाएंगे, फोड़ते जाएंगे, एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है भाई, ये देखो गाइस यहाँ पर भी अंदर मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और भाई लावा से बचना है बस। ठीक है, बट अपने पास अभी मैक्स लेवल का आर्मर है, प्रोटेक्शन है, तो फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन भी शायद से होगा, तो उतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस TNT लगाओ, फोड़ो और यहाँ पर कलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को पैक कर दिया गाइस मैंने, ताकि वो मेरे को कुछ हानि ना पहुँचाए। भाई इतना फोड़ा, सिर्फ एक ही दिख रहा है सामने यार, बट कोई बात नहीं, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी निकालो। चलो मज़दार क्या मेरे गाइस, इसका हार्डकोर का चीज़ है। और गाइस ये ना मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ना ये क्लिप टोटल 12 घंटे का क्लिप था, तो 12 घंटे का क्लिप को मैं आपको 12 मिनट में दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यार मैं वॉइस ओवर ही करूँगा। तो यार आप ये चीज़ को समझना, ठीक है। तो हो सकता है कुछ क्लिप आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ना गाइस मैंने ना अभी PC अपग्रेड किया है, तो PC अपग्रेड करने के टाइम में ना जो मेरा वो XP फार्म का वो बैकअप था, वो बैकअप दूसरा PC में था, तो मैं दूसरा PC मैंने गलती से ना वीडियो वगैरह डिलीट कर दिया, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कुछ फाइल्स मेरे को मिला नहीं, मैंने बहुत कुछ ग्राइंड किया था, वो सब चीज़ ना परफेक्ट फाइल मेरे को मिला भी नहीं, वीडियो का फॉर्मेट पता नहीं कहाँ पर रखा है, तो ये सब हो जाता है। देखो यहाँ पर इतना बड़ा मैंने होल किया, इतना बड़ा ब्लास्ट किया और मुझे एक भी वो नहीं मिला, उसको क्या बोलते हैं, एक भी ये नहीं मिला यार। अच्छा मिल गया गाइस, अंदर एक डेब्रिस दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अंदर गाइस यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस दिख रहा है, वो देखो जितना मिलेगा हम सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर में और घर में जाके गाइस इसको वो करेंगे, नेदराइट में कन्वर्ट करेंगे। चलो अरे भाई ऊपर में यार। सो गाइस अभी हम अपने घर में आ चुके हैं और घर में आने के बाद गाइस अभी हम देखते हैं कि हमने कितना एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट किया है। तो अभी हम सबसे पहले अपना बैग खोलेंगे और बैग में देखते हैं कि अपने पास कितने एंशिएंट डेब्रिस है। हमारे पास 22 है यार। तो गाइस यहाँ पर 22 एंशिएंट डेब्रिस को मैं आग लगा देता हूँ और मेरे पास कुछ एंशिएंट डेब्रिस ऑलरेडी थे गाइस, यहाँ पर कहाँ पर था पता नहीं। हाँ गाइस 6, इससे पहले गाइस मैंने 6 भी कलेक्ट किया था। तो यहाँ पर टोटल गाइस मेरे पास 28 एंशिएंट डेब्रिस है। तो भाई ये घर देखो भाई, ये घर कितना कूल लग रहा है ना, मानो ना मानो यार मेरा घर कितना कूल लग रहा है। अच्छा मैंने अंदर का सीन दिखाया नहीं ना अपने विलेजर को गाइस, मैंने यहाँ पर वो मीटिंग करा के मीटअप करा के ना, ये देखो इस तरह से मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाने की कोशिश किया है, बट गाइस इनको मैंने एक भी लोगों को मैंने ट्रेडर नहीं किया, बस इनको मैंने फंसा के रखा है। तो मेरे को पता नहीं कैसे करना है, तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो सजेस्ट करके मेरे को बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड लाइव स्ट्रीम में हम लोग इसका कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, पक्का लाइव स्ट्रीम में करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइम से ना अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। सो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना ये जो भी अपना ये फर्नेंस वगैरह था इसको लेके मैं ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आने के बाद जो फर्नेंस था इसको यहाँ पर रखते हैं चलो, ताकि जल्दी जल्दी वो पिघल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ना कोल वगैरह भी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पर एक कोल डाल देते हैं, बढ़िया है, इसका आधा कोल गाइस यहाँ से निकालते हैं और इसका आधा कोल यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पर और कोल, अरे और कोल नहीं है क्या। चलो यहाँ से हम लोग ये एंशिएंट डेब्रिस निकालते हैं, यहाँ पर 8 लगाते हैं, यहाँ से 4 निकालते हैं, यहाँ पर 4 लगा देते हैं, और यहाँ से अरे भाई 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 यहाँ से 4 निकालते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग, अरे यार भाई ये लग गया यार, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, अरे कोल कोल कोल, ओके यहाँ से कोल में निकाल लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर न्यू रेसिपी अनलॉक हो चुका है। देखो हम कैसे बनाते हैं एंशिएंट डेब्रिस, मेरे को पता नहीं, नहीं नेदराइट NET, ओके ये है ना। हाँ तो हमको गोल्ड चाहिए, अपने पास गोल्ड भी है, चलो कोई बात नहीं है, इस तरह से हमको ये करना है। तो अपना एक इंगेट शायद से बन चुका है, चलो एक नहीं गाइस 3 बन चुका है, चलो ये भी बन गया। चलो हमको ना अभी और चाहिए, तो हम सारा का सारा कलेक्ट कर लेते हैं। चलो निकल जा भाई, हो गया होगा शायद से अब तक तो। हाँ तो गाइस ये सब अब तक हो चुका है, ये भी हो गया, यहाँ पर भी था ना, चलो ये भी हो गया। तो अभी हम जाएंगे क्राफ्टिंग टेबल में, और क्राफ्टिंग टेबल में जाने के बाद हमको गोल्ड ऐसे लगाना है, ओके, और यहाँ पर अरे ये नहीं, ये है ऊपर वाला है, इंगेट्स है ना हमने कहा। अरे यार गोल्ड, अच्छा गोल्ड है, मेरे को गोल्ड कम पड़ गया। चलो तो मेरे पास गाइस 7 यहाँ पर नेदराइट आ चुके हैं, नेदराइट का उसको क्या बोलते हैं, नेदराइट इंगेट पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को पता भी नहीं। ठीक है, अब ये कैसे होता है रे, मेरे को पता नहीं, यहाँ से होता है। हाँ तो अपने जितने भी डायमंड के आर्मर है, अरे भाई यार जल्दी हो जा रे, इसको रख दो। चलो जूता भी निकाल दिया मैंने यहाँ से।
तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास अभी नेदराइट का कुछ भी नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर अपने आप को नेदराइट के कपड़े से ढकते हैं, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर के अंदर। यहाँ से होता है ना शायद से, चलो यहाँ पर रख दिया। अबे कैसे, अच्छा इसके लिए दूसरा टेबल चाहिए, मैं भूल गया था, रुको। अबे वो कैसे बनता है मेरे को पता नहीं यार, अबे वो कौन सा टेबल है मेरे को पता भी नहीं, टेबल लिखता हूँ यहाँ पर, मेरे को पता भी नहीं, टी ए बी एल ई, ओके स्मिथ टेबल पता नहीं क्या, ओके इसके लिए प्लैंक और ये चाहिए। चलो मेरे पास आयरन तो ऑलरेडी था, मेरे को पता है आयरन था यहाँ पर गाइस, मेरे पास आयरन बहुत सारे हैं। चलो अभी प्लैंक हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पर प्लैंक था, ओके यहाँ से प्लैंक ले लेते हैं, ओके नॉट बैड। अभी हम जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल में, क्राफ्टिंग टेबल में जाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पर चार प्लैंक को ऐसे रखते हैं, ओके परफेक्ट, और दो आयरन को यहाँ पर रखते हैं। चलो बन गया अपना टेबल, ओके एक नंबर। टेबल बनने के बाद गाइस अभी हम टेबल को यहाँ पर नीचे रख देते हैं, और प्लैंक हम वेस्ट नहीं करेंगे, प्लैंक भी लेकर रखते हैं, यहाँ पर प्लैंक को इधर रख देते हैं। चलो अभी गाइस जो अपना आइटम है उस आइटम को ऐसे निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पर डायमंड का गाइस सबसे पहले मैंने आर्मर नेदराइट का निकाल लिया है, ओके पैंट गाइस यहाँ पर पैंट भी हमने लगा दिया है, ओके। उसके बाद गाइस अपना जूता, जूता में भाई क्या मस्त हमारा एन्चेंटमेंट है देखो, चलो जूता भी निकाल दिया। अभी चाहिए अपने को इलाइटर नहीं होता, ओके हेलमेट, हेलमेट ही काम की चीज़ यार, ओके चैलेंज कंप्लीट, कवर मी इन डेब्रिस, ओके ये भी हो चुका है। एंड हम तलवार करते हैं पहले, तलवार बहुत काम की चीज़ है, चलो तलवार भी गाइस हमारा नेदराइट का हो चुका है। अभी करते हैं पिकैक्स, यार पिकैक्स सबसे अच्छी आइटम है यार, पिकैक्स को कैसे भूल सकते हैं, तो पिकैक्स भी कर लेते हैं। अभी सोवल करते हैं, सोवल सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी टूटता है सोवल, तो हम नहीं सोवल को करते हैं। और बेचारा एक्स गाइस यार, एक्स बच गया अकेला ना गाइस, चलो सोवल को कर देते हैं, सोवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवल भी हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर एक्स बेचारा सोच रहा होगा गाइस कि मैं गरीब हूँ, मेरे को क्यों नहीं किया यार, मेरे को भी अपग्रेड करो बोल रहा होगा, बट कोई बात नहीं गाइस अपने पास कोई चीज़ नहीं है अभी। तो यहाँ पर गाइस अपने आप को मैं ढक देता हूँ, चलो अपने आप को गाइस यहाँ से अभी मैं नेदराइट से ढक देता हूँ, और देखता हूँ अपने आप को कैसे दिखता है, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी हम, चलो यहाँ पर देखो गाइस कैसे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर हेलमेट लगा लेते हैं, जूता लगा देते हैं, और चेस्ट प्लेट, ओ भाई साहब क्या दिख रहा है, हाथ में स्वॉर्ड लेते हैं भाई साहब, गाइस क्या बढ़िया दिख रहा है। तो गाइस जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हो चैट पे एक बार गाइस नेदराइट ओपी लगा दो, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और गाइस अभी मैं जाता हूँ एंड में, क्योंकि अभी अपने आपको अपने को ना बहुत सारा इलाइट्रा कलेक्ट करना है, तो अभी हम एंड में जा रहे हैं। और तुमने देखा होगा मेरा एंड क्या भयंकर मैंने बना के रखा है, अगर तुमको पता नहीं गाइस तो मैंने एंड में जाने का रास्ता बना के रखा है। मैं लाइव स्ट्रीम में तुम लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगा, तो नीचे गाइस देसी आर्मी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आपको फीचर चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ना वहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, मर गए तो लाइव में मरेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो तो गाइस यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं, ओके अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे, चलो यार यहाँ पर नहीं सोएंगे, चलो यहाँ पर अंदर घुस जाते हैं। एंड अभी गाइस यहाँ पर हम जाते हैं एंड सिटी लूटने के लिए, बहुत सारे एंड सिटी को लूटेंगे, देखते हैं गाइस हम लोग कितना इलाइट्रा कलेक्ट कर पाते हैं। मेरा मिशन है कि गाइस मैं 10 इलाइट्रा कलेक्ट करूँ, बट आई डोंट नो आज हो पाएगा कि नहीं, तुम क्या लगता है हो पाएगा, तो कमेंट में यस लिखना, अगर नहीं हो पाएगा तो नो लिखना, ठीक है। 10 इलाइट्रा हमको लेके आना, टास्क आज का वो है, देखते हैं गाइस। तो अभी हम आ चुके हैं गाइस यहाँ पर एंड में, अभी हम सीधा एक डायरेक्शन में जाते रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अंधाधुन एक डायरेक्शन में हम सीधा जाते रहते हैं, और देखते हैं गाइस कि हम यहाँ पर कितना इलाइट्रा लूट पाते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम गाइस एक डायरेक्शन में सीधा जाते हैं बिना किसी देरी के, और एंड सबसे ज़्यादा खतरा लगता है मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को ना उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है एंड का। अच्छा ये तो पहला वाला होता ना, हमने यहीं से लूटा था शायद से, अच्छा नया है क्या पता नहीं गाइस, यहाँ पर तो सिप नहीं है, ओके सिप मिल गया, चलो गाइस ये दूसरा है गाइस, थोड़ा सा दूर में गाइस मेरे को दूसरा सिप मिल गया, ओके ओपी यार, अच्छा दूसरा सिप है, चलो ऐसे दूसरा सिप है, हाँ तो यहाँ पर मैं वैसे ये है गाइस ये फेंकता हूँ ऐसे, ये ना एंडर पल से बहुत इजी होता है पता, सीधा अंदर घुस जाओ। चलो ओके नया इलेक्टर मिल गया गाइस, दूसरा इलेक्टर, चलो भाई इसने मेरे को डस दिया, अरे भाई न्यूटन की छठी औलाद भाई। चलो गाइस हम इलेक्टर लूट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं, उतना कुछ देखना नहीं है यार, सिर्फ इलेक्टर नहीं लूटेंगे गाइस हम लोग ना यहाँ पर, इलेक्ट्रा के साथ साथ गाइस हम लोग ना यहाँ पर वो भी लूटेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार, इलेक्ट्रा के साथ साथ गाइस हम लोग ना ड्रैगन का हेड भी लूट लेंगे, और ड्रैगन के हेड के साथ साथ गाइस यहाँ पर ये पोषण वोषण मिलता है, पोषण खाना तो बनता है ना, क्योंकि पोषण इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोषण को फेंक देते हैं, अभी हमको ड्रैगन का हेड चाहिए, अरे भाई मत डस यार, मत डस यार प्लीज़ यार, फिर डस दिया रे इसने, फिर से डस दिया रे, फिर उड़ा दिया मेरे को। चलो तो यहाँ पर गाइस हम ड्रैगन का हेड यहाँ पर निकालते हैं,
भाई यार ये मतलब मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे मानेंगे नहीं यार, चलो कोई बात नहीं चलो। तो गाइज अभी हम लोग ना यहाँ पर जाके ये ड्रैगन का जो हेड है ये कलेक्ट कर लेते हैं। हेड बहुत काम की चीज़ है ना, हम हेड को छोड़ नहीं सकते। चलो तो यहाँ से हमने हेड को कलेक्ट कर लिया है। उसी के साथ साथ गाइज हम लोग ना अभी यहाँ से जाएंगे सीधा दूसरे एंड सिटी में, और यहाँ से हम दूसरा इलेक्ट्रा भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से गाइज हम तीसरे कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। ओके एक एंड सिटी, अरे भाई सामने एक एंड सिटी है, इधर भी एक एंड सिटी है गाइज, दो दो एंड सिटी है। देखो गाइज दो दो शिप एक ही जगह पे, लेफ्ट में एक शिप राइट में एक शिप। गाइज ये भी रेयर मूवमेंट है क्या? गाइज चैट में बताओ क्या ये रेयर मूवमेंट है कि नहीं बताओ। आसपास दो एंड शिप, यहाँ पर नहीं तीन होता अगर इधर भी होता तो यार। आसपास दो एंड शिप, मतलब ये जो शिप होता है इलेक्ट्रा वाला वो मिला है यार। तो इसको भी लूट लेते हैं चलो। भाई क्या क्या लूटेंगे भाई, बहुत कुछ है भाई यार। ड्रैगन हेड तो भाई बनता है, ड्रैगन हेड तो लूटना बनता है ना। देखो ड्रैगन हेड लूटना बहुत ईजी है, इसको क्लिक करो, देखो नीचे गिर गया। नीचे एक एंडर पर फेल दो, ऐसे इंडर पल क्या बोलते हैं, हाँ एंडर पल। देखो नीचे आ गया, अभी गाइस नीचे आके इसको आराम से लूट लो। देखो इधर गिरा होगा आसपास। हेलो भाई ड्रैगन का हेड किधर है तू? ओके इधर है। तो अभी हम जाते हैं दूसरे एंड शिप की तरफ, इधर था ना, हाँ नहीं राइट पे था। ओके तो राइट वाले एंड शिप की तरफ जाते हैं और इसको भी लूट लेते हैं गाइस। तो इस प्रकार से गाइस मैंने बहुत सारा इलेक्ट्रा लूटने वाला हूँ आज। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और इस इलेक्ट्रा को लूटने के बाद आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। चलो गाइस, अरे भाई ये कहाँ से आया भाई। चलो तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइव सभी लोगों को बाय बाय।